शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। बिहार विधानसभा 2020 का बिगुल बज चुका है। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर की खास पेशकश। चुनावी पैरामीटर में आज हमारी टीम 95 कांटी बिहार विधानसभा पहुंच चुकी है और सभी प्रत्याशी यहां पे अपनी अपनी कश्तियां इस चुनावी समर में उतार चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी नैया पार लगती है और किसकी नैया डूब जाती है। कांटी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,75,200 है, जिनमें से 54% पुरुष है और महिलाओं की संख्या 40% है। 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक चौधरी जीते थे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार को 9,275 वोटों से हराया था। कांटी विधानसभा क्षेत्र 2020 के चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इस क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं जो कि दो दशकों से लोगों को परेशान कर रही है। यहां मुख्य स्तर छिन्नमस्तिका मंदिर, NTPC कांटी थर्मल पावर प्लांट, कोठिया मजार और सेरुकाई मजार है। NTPC कांटी थर्मल पावर उत्तर बिहार के लिए वरदान जरूर साबित हुई, लेकिन इसका दुष्परिणाम कांटी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को उठानी पड़ी। थर्मल से निकली राख यहां से बहने वाली नदी को ही सुखा दिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की शुरुआत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर सारी तैयारियां कर चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र में। लोगों से जानते हैं कि कौन से मुद्दे उनके ऊपर सबसे ज्यादा हावी हुए हैं। वे अपने विधायकों से, अपने जिले के प्रतिनिधियों से, नेताओं से किस चीज को लेकर वे अपेक्षित है, किस चीज को लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वे शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वे रोजगार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? या फिर उन्हें उनका कुछ और ही अलग ही कुछ अपेक्षा है? ये सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। ये है कांटी का विष्णुपुर सुमेर गांव और यहाँ पे मौजूद है कुछ ग्रामीण। उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जो विधायक वोट के समय, इलेक्शन के समय वोट लेने आए थे और वोट लेने के बाद किस तरीके से वो एकदम छू मंतर हो गए थे। आइए यहाँ लोगों से हम जानते हैं कि उनका क्या विचार है। लास्ट टाइम जैसे वोट मांगने आए थे, वोट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद उनका क्या कार्यशैली रहा? 5 साल के अंदर में हमारे माननीय विधायक अशोक चौधरी जी गाँव क्या किसी भी जगह नहीं आए, वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और उनका मुख्य धंधा जमीन का कारोबार है, अपना दुकान चलाना है। जनता से उनको कहीं भी कोई मतलब नहीं है। गांव ये पूरा डूबा हुआ था, सारे लोग झाई से त्रस्त हैं। थर्मल के चलते यहाँ बाउंड्री हो गया, जिससे हमारे गांव में 200 घर में 10 दिन तक चूल्हा नहीं जला। माननीय विधायक जी कभी देखने भी नहीं आए, न कोई थर्मल का पदाधिकारी आया। यह दुख की बात है। वोट के समय सब लोग मानते हैं, लेकिन यह जो माननीय विधायक है उनके बारे हम लोग यही कहना है कि वो 100% बिजनेसिया हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। विधायक का मुख्य कारण होता है कि गांव में बिजली, सड़क और शिक्षा, पानी, ये जो मूल सुविधा है जो आम जनता को चाहिए, इससे समाज को लाभ होता है। हमारे गांव में बिजली की स्थिति महीनों दिन तक हम लोग लालटेन जला के रहे हैं। जो ये मोदी जी का डिजिटल है उसमें भी हम लोग को लालटेन जलाने की स्थिति आई है, लेकिन अथक ग्रामीण के प्रयास से, माननीय विधायक के प्रयास से नहीं, ग्रामीण के प्रयास से अभी लाइट जल रही है। विधायक जी 100% बिजनेसमैन है, कभी कांटी के जनता को ठगते हैं। आजकल सुन रहे हैं कि आजकल सकरा में लोगों को ठगने का काम शुरू किया है। वो कहते हैं कि हम वोट के समय लोग को पैसा देंगे और हम जीत जाएंगे। न उनको जनता से मतलब है, न गांव के काम से मतलब है, न समाज के काम से मतलब है। वो एक ना कहते हैं एक आता है जो आता है और रुपया दिखा के लोगों से वोट लेकर भाग जाता है, और वही काम अशोक चौधरी जी ने पूरे 5 साल में किया है। न रोड पर ध्यान दिया, न बिजली पर ध्यान दिया, न पानी पर ध्यान दिया, और लोग कैसे रह रहे हैं न रह रहे हैं उसमें कोई मतलब। हम लोग थर्मल पावर के बगल में NTPC जो है ना, वो भी हम लोगों को धोखा देते आ रहे। हम लोगों का सारा जमीन थर्मल में चला गया, लेकिन NTPC
हम लोगों को न कोई न पानी की व्यवस्था देती है, न बिजली की व्यवस्था देती है, बल्कि घर के बगल में ऊंचा बांडी बाल कर देने के कारण पूरे गांव में पानी घुस गया था और हम लोग अपने सहयोग से रोड चिरवा के पानी निकलवाए। न एनटीपीसी देखने आया, न विधायक जी देखने आए। हमको तो लगता है एनटीपीसी विधायक सब लोग मिले हुए हैं और वे हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि कब गाँव के लोग सब गाँव छोड़ के भाग जाए और सब पर हम कब्जा कर ले। बहुत उम्मीद लगाकर आपने वोट दिया और जिताया था, इस बार आपकी क्या अपेक्षा और कुछ क्या सोच कर कुछ नहीं किया हम लोग तो बहुत कम इस बार क्या सोच कर वोट देंगे? जो वोट इलेक्शन होने वाला है तो उसमें वोट जब आप देने जाइएगा तो क्या सोच कर वोट हम लोग का सहारा करेगा उसी के ना हम लोग देंगे। अभी हम मौजूद है कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोठिया मन में, आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं। राख क्षेत्र में नहाना सख्त मना है, आखिर लोग नहाएंगे कब कहाँ जहाँ पे पानी ही खत्म कर दी गई हो। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये जो अभी राख बना है ये पहले नदी हुआ करता था, लोग यहाँ पे मछली पालन करते थे, अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन कांटी थर्मल पावर के द्वारा इसमें राख छोड़ा गया जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों का सपना खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ये इलाका राख हो चुका है। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं अभी भी वह पाइप लगा हुआ है जिससे पानी की निकासी होती थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं होती है क्योंकि वह पूरा का पूरा सूख चुका है। ये पूरा का पूरा दलदल हो चुका है, राख से ये दलदल में तब्दील हो चुका है। आइए हम यहाँ पे लोगों से, स्थानीय लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है, उनकी क्या समस्या है, लोग क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, उनका क्या उम्मीद है। आइए लोगों से हम बात करते हैं और उनकी राय को जानते हैं। यहाँ पे पहले नदी हुआ करता था, लेकिन अब पूरा का पूरा यहाँ पे बंजर हो चुका है, राख हो चुका है। क्या समस्या है आप लोगों को? इतना धूल मिट्टी हो रहा है, मिट्टी और साथ में हम लोग का डस्ट जो है फाक रहा है, हम लोग की परेशानी बढ़ रही है। ये जो मन जो है पहले जो हम लोग हाल में थे, अब इस तरह का हो गया कि हम लोग आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को, किस क्या सोच कर आप लोग वोट देंगे? हम लोग क्या वोट दें? हम लोग अच्छा काम करेंगे, उनको वोट देंगे। समस्या क्या है? मतलब धूल प्रदूषण फैल गया, प्रदूषण फैलना के बाद इसीलिए बिस्तरा पकड़े हुए 6 महीना से। कोई भी जनप्रतिनिधि क्या आप लोगों से आप लोगों का समस्या पूछने आए हैं? आप लोगों ने वोट दिया था हम लोग की बात नहीं की, हमारा उम्मीद बनाए हुआ रखे कुछ करें, अगर चले जाए हम लोग का कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद सब भूल जाते हैं। किसी को वोटिंग नहीं देना है, इसका जब तक समाधान नहीं होगा यहाँ के लोग कोई वोट नहीं देंगे। बहुत प्रॉब्लम होता है, सब्जी फ्राई करिए तो फ्राई करते करते काला पड़ जाता है, पूरा धूल मिट्टी जाकर बैठता है। खाना खाकर जाओ डॉक्टर को देखाओ, दम फूल रहा है, मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा एकदम दम फूल है। अगर ना विश्वास आप मशीन लगा चेक कीजिए कि मेरा दम फूल रहा है कि नहीं। चाची क्या समस्या है यहाँ से? समस्या तो देखे बड़ी की जो कैसा समस्या है, मैंने लोग मोड़ छे कोठिया के लोग सब बाहर आज तक नेता जी यहाँ के इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किए हैं? हम लोग नहीं देंगे उनका वोट, क्योंकि अब आना रहे हैं देखने के लिए कि पानी में डूबे हुए हैं कि कहाँ डूबे। चलिए हमारा आगे बगल में घर देखिए, पूरा पानी में डूबे हुए, छाई को गाड़ी भरा हुआ है, गाड़ी भी दिखाएंगे, पूरा गाड़ी डूबा हुआ है, बच्चा भी डूब गया उसमें, कुछ नहीं मिला, रात दिन वो गर्दन में फाक रहे हैं। नगर निगम कर दिया, घोषित कर दिया, क्या सुविधा मिला हम लोग? क्या मिला हम लोग का सुविधा? कांटी कोठिया नगर निगम कर दिया गया, क्या सुविधा मिला? पानी है ये नहीं, एक लाइट बिजली बत्ती ना खाना खोरा के चल के देखिए, हमारे पेशेंट को पड़ा हुआ है, उनको दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग देख लीजिए जाकर क्या पोजीशन है। फिर भी इस तरह से हम लोग घुट घुट का मर रहे हैं, इसको कहने जाए 6-7 लाख रुपया लगा फिर भी अच्छा नहीं। मेरा आदमी कितना रुपया लगा दिया, हम लोग कहाँ कोई देखने आया कि देखिए, तो चल के देख लिया जाए, चल के देखिए क्या क्या है, नहीं है।
सुबह हुए वहाँ पर बेट पकड़े हुए 6 महीना से बिस्तारा पर। बच्ची का इनका शादी है, ये बच्ची का शादी है, 1 रुपया नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या समस्या है, उनका क्या कहना है। इस बार विधानसभा चुनाव में राख यहाँ का मेन मुद्दा बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का राख होगा। कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोठिया गांव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का राख होगा। नेताओं को यहाँ के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने काफी उम्मीदें जगा कर गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों के सपनों को उन्होंने खाक कर दिया, न जाने कितनी जिंदगियां ले ली। आइए हम आपको अब इस कांटी विधानसभा क्षेत्र के अगले पड़ाव पर लेके चलते हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र में मंदिर भी है और मजार भी है, इन दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस जगह को टूरिस्ट प्लेस में बदलकर रोजगार का सृजन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है? जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 2008 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 टीलों में खुदाई की गई थी। एक हमारे पीछे आप देख सकते हैं और एक आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 जगहों पर खुदाई की गई थी, और खुदाई के दौरान भारी मात्रा में बर्तनें, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, घरे और काफ़ी सारे ऐसे चीज मिले थे जिससे बिहार का विकास में कुछ हो सकता था, लेकिन बारिश के कारण इन सभी चीज़ों को, इस खुदाई को बंद कर दिया गया था। और फिर हमेशा की तरह वही हुआ जो बिहार के साथ होता आ रहा है, दोबारा उस खुदाई को चालू नहीं कराया गया। आइए हम यहाँ पे मौजूद कुछ ग्रामीणों से, कुछ स्थानीय लोगों से जमीनी हकीकत जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से इनका क्या कुछ कहना है। कहना है कि 2008 में जो यहाँ खुदाई हुआ था, उस समय मतलब कि बहुत लोग मतलब विदेशी लोग आए यहाँ खुदाई किए और घोड़ा के कंकाल निकला यहाँ पे खुदाई करके, उसके बाद बारिश उरिश होने लगा उसका चले गए। और वहाँ भी वो भिंड देख रहे हैं, वहाँ भी पर भी खुदाई हुआ, वहाँ पर भी उसी तरह इतना बड़ा बड़ा जो पत्थर निकला, घारा निकला, ये सब निकला, फिर वो सब देख चेक करके चले गए। इसके बाद दूसरा कोई मतलब विकल्प नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि यहीं पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे 2008 में जो स्कूल बनने के लिए खुदाई हुई थी, तो उस समय बहुत बड़ा बड़ा कम से कम 20-25 घारा निकला था, उस समय जो कि बुद्ध भगवान को लेके यहाँ पे काम बंद कर दिया गया था। उसके बाद आगे जिला में फिर राज में जो इसका सूचना दिया गया, उसका टीम आई, टीम आने के बाद जो कि इस चीज को जांच किया गया, तो फिर जो है कि दूसरा टीम आके यहाँ पे खुदाई 20 फीट किया गया, तो उसमें जो है कि एक घोड़ा का कंकाल मिला। उसके बाद जो है कि फिर बारिश का मौसम आ गया, उसके बाद टीम लोग चली गई, उसके बाद कोई यहाँ कोई सुविधा हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप सामने भिंड जो देख रहे हैं, तो वहाँ जो है कि वहाँ भी ऐसे हम लोग के जन्म के पहले जो है कि वहाँ खुदाई हुआ था, तो कुशीनगर जो है कि कुशी हरपुर रमनी है, इसी के नाम पे यूपी में जो कसिया नगर है, ठीक है, कि यहाँ जो खुदाई हुआ था रातों राती जो है कि यहाँ के वहाँ से जो आए हुए थे आदमी वहाँ जाकर स्थापित कर दिया गया था, जो वैशाली से चलकर 21 किलोमीटर जो कुशी हरपुर रमनी पड़ रहे हैं बुद्ध भगवान, वहाँ से चल के यहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हुई थी, जो है मृत्यु हुई थी, जो मृत्यु हुई थी। और आप लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु इसी जमीन पर हुई, तो इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण जो है कि हम लोग से जो पूर्वजों जो है उनको इस चीज को जानकारी है, ठीक है। मेरे गांव के एक सूरजदेव ठाकुर जी जो थे इस चीज से वो जुड़े हुए थे, उनको भी मृत्यु हो गया, उनका किताब था, ठीक है, हाँ सूरजा ठाकुर, ठीक है, तो उनको हर चीज जानकारी थी, उनका भी मतलब देहांत हो गया, तो किताब उताब वगैरह बहुत सारी थी, ठीक है, उस चीज को यहाँ ये हुआ। फिर जो है कि यहाँ देहांत उनका 21 किलोमीटर आने के बाद बुद्ध भगवान के यहाँ देहांत हो गया। उसके बाद जो है कि एक बगल में ढेमहा गांव है, तो उनको कपड़ा के ढेर में उनको दाह संस्कार किया गया, जो उस गांव के नाम ढेमहा पड़ा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के कुछ ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं वो जमीन से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे 2 जगहों पर यहाँ दो टीलों के पास खुदाई की गई थी। बहुत लोग जो है विदेशों से आए थे, बहुत सारी टीमें आई थी जिन्होंने खुदाई किया था, लेकिन बारिश होने की वजह से ये खुदाई बंद हो चुकी थी और फिर वो उसे वापस चालू नहीं किया गया।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका कोई दावा नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सच्चाई है और क्या नहीं। यहाँ पे स्थानीय लोगों से कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने खुद उस जमीन की खुदाई की थी। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है। माटी का घड़ा सब मिलता था, मिट्टी का बड़ा बड़ा घड़ा था, मिट्टी का गुड़िया था, मूर्ति तो बहुत सारी निकला। और कुछ और दूसरा कुछ वही मिट्टी का और मूर्ति मिट्टियों के मूर्ति निकलता था। अगर इस बात की पुष्टि हो जाए कि भगवान बुद्ध की मृत्यु इसी जमीन पर हुई थी और यहाँ यहीं पर हुई थी तो इस जगह को एक बहुत ही बड़े पर्यटक स्थल में बदला जा सकता है, जिससे यहाँ के ग्रामीण लोगों को, यहाँ के नौजवानों को बहुत ही अच्छी रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उन्हें रोजगार मिल सकता है। हमको सबसे बड़ा चीज लगता है कि पूरे देश में कोई भी जो सामाजिक संस्थान है जहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग आते हों, उस जगह को सरकार अपने तरीके से व्यवस्था दे, सुधारे, संभारे और उसका विकास करे, ताकि लोगों का एक वहाँ से पहचान मिले, एक वहाँ से जीवन जीने का तरीका और ज्ञान मिले। तो रोजगार सृजन तो होगा, परंतु ये जिम्मेदारी हमारी आपकी तो नहीं है, ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। उसको अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जाकर के देखना चाहिए कि कब कहाँ किस क्षेत्र में किस वस्तु की आवश्यकता है और उसको सरकार से योजना के अंतर्गत जोड़ करके उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जिन लोगों की बनती है, यदि वो लोग इस प्रकार से आकर के ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी बात है और उन्हें देना चाहिए। चलते चलते हमारी टीम पहुंच चुकी है कांटी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और इस परिसर में सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे इस शिला पट से। इस शिला पट को देखकर आप यहां समझ सकते हैं कि इस अस्पताल की स्थिति क्या है, जो खुद ध्वस्त हो चुका है। इस शिलापट में यह बात कही गई है कि 30 बेड बनने वाली अस्पताल, यह भवन 30 बेड वाली है, लेकिन क्या आपको इस परिसर को देखकर यह लग सकता है कि यह किसी का इलाज कर पाएगी? इस परिसर में लगे इस जलजमाव को देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पे खुद बीमारियों का जमघट लगा है। लोग यहाँ इलाज करवाने आएंगे और इस परिसर में लगे इस जलजमाव में जितने भी कीड़े मकोड़े गंदगी है, क्या उस गंदगी से खुद को बचा पाएंगे? हमारी टीम आपको लिए चलती है और आगे इस स्वास्थ्य केंद्र में और दिखाती है किस तरीके से यहाँ की स्थिति बनी हुई है। यही है वह स्वास्थ्य केंद्र जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ की स्थिति कि यहाँ की स्थिति क्या है। सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जो खुद अपना इलाज करवाने आते हैं वह इस कचरे से रूबरू होते हैं। इस कचरे में कितनी सफाई है, यहाँ लगा हुआ है यह डस्टबिन जो कि सही अवस्था में नहीं है। आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, यह डस्टबिन यहाँ पे सही तरीके से रखा भी नहीं गया है। जो लोग यहाँ पे आकर इस डस्टबिन में कुछ कचरे को डंप कर सके, आप यहाँ की स्थिति को खुद ब खुद देख कर हर एक मुद्दे को समझ सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, सरकार की क्या व्यवस्था है। लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन क्या इस यहाँ पे आके इलाज करवाना उनके लिए सही होगा? यह अस्पताल इंसानों का है या मवेशियों का, इसमें लोग इस दुविधा में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर ये मवेशी आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्पताल परिसर में जानवरों का जमघट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भैंस, लेकिन हाँ एक भी सही तरीके से कोई भी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको हम बता दें इसकी स्थिति इस तरीके से है कि लोग यहाँ इलाज अपने बीमारी का इलाज करवाने आएंगे और वापस उससे बहुत बड़ी बीमारी लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है और कैसी व्यवस्था यहाँ से की गई है। सैनिटाइज नाम का तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बगैर मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन खैर दिख रहा है,
मौजूद चीजों का कारण उस तरीके से किया नहीं गया है। जिस तरीके से यहाँ पर सफाई होनी चाहिए थी उस तरीके से सफाई नहीं है। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सरकार द्वारा हमेशा ये निर्देश दिया जाता रहा है कि सफाई अच्छे से किया जाए, हर जगह सैनिटाइज किया जाए, लेकिन क्या यह सफाई और यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है? बाहर आप देख सकते थे किस तरीके से कचरे का ढेर था, डस्टबिन था, लेकिन डस्टबिन सही तरीके से नहीं रखा गया था। कचरे को जहाँ डस्टबिन में डंप किया जाता है, लेकिन यहाँ कचरे में कचरे को डस्टबिन में डंप ना करके बाहर डंप किया गया है। देखिए किस तरीके से पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्या यह पानी पीने लायक है? क्या इसे पीकर इंसान स्वस्थ रह सकता है? क्या यहाँ आए लोग इलाज करवाने आए मरीज अपना इलाज करवाने के दौरान यह पानी पीकर स्वस्थ रह सकते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे छूट रहा है। क्या स्वास्थ्य भी बन सकता है मुद्दा इस कार्यक्रम क्षेत्र में? हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मेडिकल ऑफिसर, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या मुख्य समस्याएं हैं। सर क्या समस्याएं हैं यहाँ की? मुख्य समस्या है बिजली की, अदरवाइज सब बेटर है। सफाई की सर क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था है सर, वो जो कचरा बाहर गिरा है वही सब बस यही है कि यहाँ पे स्लीपर की कमी है। ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात, अब आगे चलते हैं और देखते हैं शिक्षा की क्या व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, लेकिन वही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु ना होकर बिहार के कांटी के कुशीनगर में हुई थी। आप यहां के जर्जर सड़क को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां की स्थिति क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आज तक कोई भी खोज खबर नहीं ली गई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, यहाँ के रोजगार व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये हम यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे और इनसे बातचीत करके यहाँ का हाल जानेंगे। व्यवस्था का क्या हाल है? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का कुछ नहीं है, यही वो टूटल फाटल स्कूल है, दस वो लड़िकाएं आता है, अति जो है स्कूल का चोट धो रहा है, स्कूल धो रहा है, इसमें कतना विधायक आए कहते हैं तो लोग कहते हैं कि जो स्कूल धो रहा है उसको हमको बनवाने का आदेश नहीं है, न है उसी को बनवाएंगे, तो स्कूल धो रहा है जबले गिरेगा ना तबले बनेगा ना। अब जो लड़का है बरामदा बरामदा पर गाछ पर बैठ के पढ़ के अपना चला जाता है। क्या कुछ कहना है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था यहाँ की काफी खराब है, क्या है कि स्कूल की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, मतलब जगह जगह से प्लास्टर उकर के गिरता है, आज दिन बच्चों के साथ हादसा भी हो चुका है, और यहाँ पे मतलब लोकल नेता भी है जो उनको कहा भी जाता है लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। स्कूल इन सभी चीज इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर आप लोगों की ऐसे मुख्य कौन सी कदम है जो आप लोगों के द्वारा उठाए? हम लोग कई बार ब्लॉक में जाके इसके बारे में लिखित भी दिए लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो कोई संज्ञान अगर नहीं लिया जा रहा है तो आप यहाँ के नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके ऊपर कुछ अच्छा से जोर डालें, जिस वजह से उनके ऊपर ये प्रेशर पड़े और वो काम करने के लिए मजबूर हो, ताकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो सके। देखिए मैम आपका कहना सही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर लोकल अगर कुछ करना चाहते हैं तो बड़ों का दबाव हो जाता है और मतलब कोई चीजें फंसाने का धमकी देकर उसको शांत करा दिया जाता है। और भी स्थानीय लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की स्थिति क्या है। सर यहाँ की सड़क व्यवस्था जैसे कि हम आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ किसी भी चीज का समस्या न हो तब न बोला, यहाँ तो समस्या समस्या सरकार की जितने भी काम है सब पदाधिकारी द्वारा कागज पर होता है, पटल पर कुछ कोई काम एक भी काम नहीं होता है, तो क्या समस्या गिना है आपके सामने? खाली समस्या है, बिजली समस्या, पानी समस्या, रोड समस्या, विद्यालय समस्या, इतना तक कि कोटा समस्या, यानी कोई खाली समस्या से भरा हुआ। अगर कोई आदमी इस पर आंदोलन, छोटे लोग अगर खड़ा होकर के आंदोलन करना चाहें
तो यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी और सर लोग उनको किसी न किसी तरह का केस में फंसा देने का काम करते हैं और कहते हैं कि FIR करवा दो, इसको फंसवा दो, ये सोच है यहाँ। सर तो इसके लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। कितने लोग उठाए हैं कदम, कितने लोगों पर FIR हो गया, जो लोग कदम उठाए उन लोग पर अत्याचार अंग्रेज से भी ज्यादा हुआ। सर पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने कुछ उम्मीद से ही वोट दिया होगा, वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग ऐसा क्या करना चाहेंगे जिसकी वजह से नेता प्रतिनिधि यहाँ पे सबक सीखे और ये जाने कि बिना काम किए हुए उन्हें वोट नहीं मिल सकता है। देखिए इस पर क्या कहा जाए, आज जनता जो है भगवान है, परंतु यहाँ संतोषी माता की तरह हम लोग पूजा पूजते। कोई भी नेता, आज हमारी उम्र 55-60 साल होने जा रही है, लेकिन आज तक जितने भी नेता आए हम लोग सोचे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब लोगों का यही हाल रहा, इसलिए किन से आशा रखा जाए। बीजेपी की सरकार आई थी तो हम लोग मोदी जी से आशा रखे थे, लेकिन मोदी जी ने कुछ काम किया, ले जहां चोर ही पूरा बैठा हो वहां एक संत क्या होगा, उसका हत्या हो जाएगा नहीं, तो इसमें क्या बोला। तो सर ऐसा आपके बातों से तो यही लग रहा है कि यहां पे भ्रष्टाचार सबसे पूर्ण रूपेण पूरे कहीं कुछ है ही नहीं है, इस पर क्या बताइए। हम बोल रहे हैं हो सकता है कहीं माइक पर आपका नाम आ जाएगा तो हमारे ऊपर FIR साथ में प्रशासन पहुंच जाएगी, यह स्थिति हो जाएगा। आप हमसे बोलवा रहे हैं माइक पर, कहीं टेलीविजन पर कोई नेता देख लेंगे, प्रशासन बद्री खाली कोई देख लेगा तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा, ये सोच कर क्या ये चुनाव खोकर के फालतू देश का खर्चा होता है, कोई नेता नहीं हो, सबसे ज्यादा सब ऊपर बढ़ जाए, इससे ज्यादा क्या नेता ही खत देश को भटक ना रहा। बहिष्कार नोटा दबाएंगे। साफ निश्चय योजना के तहत नल जल परियोजना की क्या स्थिति है आगे जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। इस योजना के विषय में कोई जानकारी लेना है तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो मैं कहूँगा उनको कि एक दिन कम्बल ओढ़ कर, हाँ दाढ़ी बढ़ा करके, पगड़ी बांध करके, भिकमंगा का भेष धारण करके और आ करके घूम ले, उनको बुझा जाए कि नल जल योजना कहाँ है, कुछ नहीं है, सब बुझा है, कहने के लिए सब कागज पर हो गया, पानी कहीं मिलना मुश्किल है, ये स्थिति है। कभी निकल तो जाए, कभी रात में देखे तो उनका पदाधिकारी यहाँ का प्रखंड पदाधिकारी लोग क्या करते हैं, सब कागज पर पैसा आओ खेला खत्म, कुछ नहीं है, आ जाए वो अपने पगड़ी बांध के रात में घूम के देख लें उनका क्या योजना पास हुआ है। टेलीविजन पर खूब बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट पर आके कभी पगड़ी बांध के मुंह में रात में घूर करके जनता के दुख को समझे जा करके, तब उनको बुझाएगा जनता का दुख क्या है। किस तरीके से लोग यहाँ पे अपने मुद्दों को लेकर एक बहुत ही बड़े समस्या के प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। 2 किलोमीटर यह मुख्य मार्ग है, लेकिन परंतु आज तक किसी भी सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया, जबकि यह पर्यटक स्थल है, यहाँ सिर्फ रास्ता वगैरह का व्यवस्था हो जाता है, बाहर शहर से लोग आएंगे जिनको जीविका उपार्जन का, यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों का कुछ जीविका उपार्जन हो जाएगा, उस पर भी ध्यान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। हमारे कितने सांसद आए, कितने मंत्री आए, कितने विधायक आए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी थर्मामीटर में आज हम लोगों ने जाना कांटी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति, कल फिर चलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहाँ की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर के साथ।